दोस्तों, अगर जो आपको व्हाट्सएप पे कोई ब्लॉक कर दिया है और आप उसके पास मैसेज करना चाहते हो व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करना चाहते हो या व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो क्या सेटिंग है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक कॉल अभी यहाँ पर मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना है, जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको बस वो समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है एक तीन बिंदी, ठीक है, कोने में। तो आपको तीन बिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं तीन बिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। तीन बिंदी वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा न्यू ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे न्यू ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा। पहले वीडियो ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा हूँ पहले समझो, ठीक है। ये एक सेटिंग है, फैक्ट वाला सेटिंग है, पहले समझ लोगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपसे कह रहा हूँ करने को। ये जो ऊपर आपको न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है ना, इस न्यू ग्रुप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं न्यू ग्रुप पर क्लिक किया। न्यू ग्रुप पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके फ़ोन में जितना भी नंबर सेव रहेगा, ठीक है, और उस नंबर से व्हाट्सअप चलेगा, वो नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सारा नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, उस नंबर को यहाँ पे ढूंढना है जो आदमी आपको ब्लॉक किया है व्हाट्सअप पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उस नंबर को यहाँ पे एक बार ढूंढ लेता हूँ जिसने मुझे ब्लॉक किया है। यहाँ पे फटाफट उसको ढूंढ के तब क्या करना है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वो नंबर मुझे दिख गया है जो भाई ने मुझे ब्लॉक किया है। अब दोस्तों क्या करना है, जिसने भी आपको ब्लॉक किया है और उसके पास आपको मैसेज करना है, उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे क्लिक किया। उसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ऊपर वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो वो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ऊपर आप देखो कोने में वो नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अब दोस्तों वो नंबर जब वहाँ पे दिख रहा है तो आपको यहाँ पे मिलता है यहाँ पे एक तीर का एरो टाइप में, ठीक है, हरे कलर में मिलेगा आपको तीर का एरो। तो इस तीर के एरो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे तीर के एरो पे मैं क्लिक किया। तीर के एरो पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे कुछ लिखने के लिए बोलेगा, यहाँ पे लिखेगा कुछ लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी एनीवे। तो यहाँ पे मैं आपको हाय ही लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी आपका मन करे कुछ भी आप लिख सकते हो। हाय लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सही का टिक आपको मिल जाता है, इस सही के टिक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सही के टिक पे क्लिक कर दिया। सही के टिक पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे। अब दोस्तों आप चैटिंग कर सकते हो। आपने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में दोस्तों दो ही लोग हैं, एक तो आप हो, यहाँ पे देखो यू दिखा रहा है, और एक तो वो बंदा है जिसको आपने मतलब जो आपको ब्लॉक किया था। दो ही लोग हो, एक आप और एक वो जो आपको ब्लॉक किया, जिसके पास आपको मैसेज करना है। तो अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपको यहाँ पे मैसेज करना है। देखो सिंपल मैसेज करोगे, यहाँ पे देखो डबल टिक दिखा दिया, यानी कि मैसेज उसके पास चला गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट वाला तरीका है, आप इस तरीके को आजमाओ और कोई भी आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक करे तो इस तरह से उसके पास मैसेज कॉल सब कर सकते हो। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना।